हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीरीज चला था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिल्ली लॉ एंट्रेंस का, वो आज पार्ट फाइव है। मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसमें 2002 से लेकर 2005 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट क्या टोटल जितने भी टोटल क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, सारे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। 20 साल का पेपर है, 20 साल का पेपर आपको प्रैक्टिस कराया जा रहा है। तो समझिए 20 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए कितना ये बेहद ही अच्छा महसूस हो सकता है। ठीक है, अब जो आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए, मैं आपसे क्यों सॉल्व करा रहा हूँ, मेरे से करिए, मेरे द्वारा, मेरे अलावा बहुत सारे ट्यूटर हैं, आप उनका जिनका अच्छा लगे वो कर सकते हैं। जहां पर आपको सबसे ज्यादा सफिशियंट क्वांटिटी में मटेरियल उपलब्ध हो रहा हो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, वहां से आप एमसीक्यू देख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताना, और मैं जो होमवर्क देता हूँ, एक दो क्वेश्चन में पूछता हूँ, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो उससे मेरा कोई घाटा नहीं है, लेकिन आप देंगे तो आप दो क्वेश्चन सीखेंगे। अगर वही एग्जाम में दो क्वेश्चन अगर आ जाता है तो क्या होगा। देखिए हर साल क्या होता है, एक एक नंबर के लिए एक एक क्वेश्चन पे पांच पांच बच्चे, बीस बीस बच्चे, सौ सौ बच्चे तक छंट जाते हैं, और आपको एक कमेंट करने में आपको दिक्कत हो रहा है, एक क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत हो रहा है, आपको होमवर्क बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो इस तरह से लॉ एंट्रेंस कैसे क्लियर होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्ट फाइव है, टोटल 15 पार्ट के आसपास ये क्वेश्चन आएगा। टोटल मान के चलो 15 है, और 15 से 16 मान के चलते हैं, तो 16 और साढ़े में दो दो क्वेश्चन रहती है, यानी 320, यानी 350 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर ये कर लोगे तो आपको यूनिवर्सल का बुक छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी मैं करा रहा हूं, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सेम टू सेम हूबहू आपको किस में डाल दिया गया है, यूनिवर्सल के बुक में। तो यहां से अगर आप अच्छे से कर ले तो उधर जाने की कोई दिक्कत नहीं है। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करवा देता हूं, तो पीडीएफ को प्रोवाइड अगर पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको इस नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, ठीक है, 8674841612 टाइटेनियम एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप मैसेज करो, और इस पे आप मैसेज करके बोलना कि मुझे पीडीएफ चाहिए, पार्ट फाइव का, पार्ट फोर का, या फिर पूरा का पूरा चाहिए। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहां पे क्विज, डेली नोटिफिकेशन, करंट अफेयर्स, बहुत तरह के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, सबसे नीचे में आ जाना, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो, इतना आपको झंझट करने की जरूरत नहीं है। और कोई भी अगर आप पीडीएफ मांगते हो, वो टेक्निकल टीम अगर रही तो 24 आवर के अंदर आपको उस पीडीएफ को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो पहला तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आगे जितने भी वीडियो आपको आप मिलेगा वो सबको आपके लिए बेस्ट होगा। आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब करने से मेरा मोटिवेशन हाई होता है, तो थोड़ा मेरा मोटिवेशन हाई करोगे तो मैं उतना ज्यादा वीडियो आपके लिए प्रोड्यूस कराऊंगा, तो थोड़ा सा समझो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पार्ट फाइव है, ठीक है, पार्ट फाइव है, इससे पहले पार्ट फोर आ चुका है, चार पार्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो चारों पार्ट को जाकर देखो। चारों पार्ट में यानी टोटल 80 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया जा चुका है, और आज के वीडियो से 20 क्वेश्चन यानी टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच लॉ अ माइनर इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, माइनर के बारे में हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे कि माइनर जो होता है वो 18 से बिलो होता है, जो 18 से बिलो होता है वो माइनर माना जाता है। तो ये कहां पर लिखा हुआ, ये किस एक्ट में लिखा हुआ, कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ होगा, तो ये जो लिखा हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है। अगर और एक चीज और बता दूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपको पढ़ना है, सिलेबस आपको आयात होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड करवाऊंगा, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि इससे भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में। अगर आप बीएचयू लॉ दे रहे हो, आप इलाहाबाद लॉ दे रहे हो, तो ये वीडियो आप उनके लिए भी बेहद खास हो जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारे जगह लगभग एक ही क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर करे रहोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। क्वेश्चन क्या, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, तो अभी जो है बीएस चौहान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ रिट इशूड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ इंडिया। देखो 5 रिट होता है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि रिट से क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है, या 2-3 पूछेगा ही पूछेगा। ये आर्टिकल 32 में दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 में दिया है। 5 रिट होते हैं, मैंडेमस होते हैं, हैबियस कॉर्पस होते हैं, सेरोरिडी होते हैं, प्रोविजन होता है,
प्रोविजन और एक होता है क्यो वारंटो, ठीक है, क्यो वारंटो, ठीक है। बढ़िया से इस रिट के बारे में इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा, आपको बढ़िया से पता होना चाहिए किस रिट के बारे में क्या है, हैबियस कॉर्पस छूट गया, हाँ हैबियस कॉर्पस भी है, तो किस रिट के अंतर्गत क्या है, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है, तो आपको रिट के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेस्टेड पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट हैव द फंडामेंटल राइट। जो अरेस्ट पर्सन होता है वो कहीं पर भी ट्रेवल नहीं कर सकता अब्रॉड, ठीक है, इस पे ना मना ही है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन होगा। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ये भी नहीं होगा। गेट असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस इफ अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ये भी नहीं है। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होता है, निवारक नजरबंदी जिसको बोलते हैं, इसके बारे में अगर आपको आइडिया नहीं है तो जाके देखो, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, गूगल करो, नोट्स होगा नोट्स को पलटो, ठीक है। चैलेंज ऑफ आर्बिट्री लॉ, द चाइल्ड ऑफ लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एट amendment in 2006 provision is the provides the employment of children under the age of years as domestic servant। इसका जो correct answer होगा question number 5 का होगा option number D, यानी कि age जो है इसका 14 साल है, ठीक है, age है 14 year। अच्छा ये जो है थोड़ा सा अजीब टाइप का question है, ये जो question है थोड़ा सा अजीब question है, question क्या है, which university had established faculty all of which इन 1924, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1924 में, ठीक है, 1924 में किस फैकल्टी ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश किया गया था, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको जाके गूगल करना है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का लॉ फैकल्टी कब आया था, अलीगढ़ कब हुई थी, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब हुई थी, इस टाइप के भी क्वेश्चन आजकल पूछ दे रहे हैं, तो हमें तो पढ़ के जाना है सारे टाइप का क्वेश्चन, तो इसलिए मैं क्वेश्चन ये करवा दिया आपको। क्वेश्चन क्या है, द रूल restricting the display of the use of tobacco products in the film and television program was struck down, ठीक है, by the High Court of Delhi being violative of Article 91। 91 क्या कहता है इसको आपको जाके पढ़ना है और इस क्वेश्चन से रिलेट करना है, इसका आंसर वही है, ठीक है। तो डिस्प्ले करना टोबैको का फिल्म में टेलीविजन में, तो ये तरीके से बैन लगा दिया गया था दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये जो है आर्टिकल, क्योंकि ये 91 को ये स्ट्रक करता है, पूरे आर्टिकल 19 को पढ़ना है, ठीक है, उसमें मीडिया वगैरह की बात की गई है, 21 होता है राइट टू लाइफ, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। विच बिल इज द पार्लियामेंट सिक्स टू गिव इफेक्ट टू द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मैं ये क्वेश्चन कितना बार बता दिया हूं मुझे भी नहीं पता, और इसका जो आंसर होगा राइट टू एजुकेशन बिल 2008 में आया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। हु इज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है बताना है आपको, देखो आप कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, एक ऑप्शन यहाँ है। दूसरा पॉइंट है कि अभी जो है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने नंबर में के हैं, कौन से टाइम है, ठीक है। तीसरा जो है अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये भी आपको जानना है। ये तीनों पॉइंट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और नहीं आता है तो गूगल करो, कहीं से देखो, नोट्स पलटो और आपका आंसर दो। इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका तुषार मेहता, अभी भारत के जो सोलिसिटर जनरल कौन है, तुषार मेहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हु डिक्लेयर द स्टेट इमरजेंसी इन इंडिया अंडर द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1975। तो आपको आपको याद होगा कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा क्या लिया था कि इमरजेंसी लगा दिया गया था, और उस समय लगाने वाले कौन थे, ये थे फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय प्रेसिडेंट थे, इन्हीं के द्वारा ये इमरजेंसी लगाया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 11 क्या है, द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द 1978, ठीक है, 44वां अमेंडमेंट और 42वां अमेंडमेंट, ये दोनों अमेंडमेंट को रट जाना। 42वां अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लघु संविधान कहा जाता है। इसमें फंडामेंटल राइट से संपत्ति के अधिकार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था और उसको लीगल राइट बना दिया गया था, तो इसका हुआ डिलीटेड द फंडामेंटल राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 के है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है एग्जाम में, मुझे भी नहीं पता, बीबीआई है और मेडिटेशन है, लोक अदालत है, आर्बिट्रेशन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है आप जाके गूगल करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा है। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी, वो थी आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और ये जो है जलगांव, इनका सिटी था, जलगांव से रिलेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जलगांव। When was the national anthem of India was first sung? National anthem
भारत में सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर 1911 को यह गाया गया था सबसे फर्स्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कमीशन फॉर सेंटर स्टेट रिलेशन। तो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कमीशन बनाया गया था दोनों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ये जो सरकारिया कमीशन, रंगराजन कमीशन, मंडल कमीशन या फिर वैकेंट चलिया कमीशन, क्या होगा इसका आंसर जो होगा सरकारिया कमीशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एम्ड एट सिक्योरिंग पॉलिटिकल फ्रीडम, सिक्योरिंग सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, एक्जीक्यूटिव सुपरमेसी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। तो 16 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा, देखिए डायरेक्टरी प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो स्टेट को कुछ गाइडेंस दिए है स्टेट को डेवलप करने के लिए, ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में है, पार्ट 4 में पड़ता है ये। नेशनल लॉ डे कब मनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे 26 नंबर कौन नेशनल लॉ डे के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। द चेयरमैन ऑफ पीएस यूपीएससी खुद से बनाते हैं, खुद हटाने की पावर रखते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी होगा, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल भी होगा, और इसका जो आंसर होगा आपका दूसरा नंबर होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा को बनाने और हटाने में प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल्स को आपने बताया था कि एक पॉइंट होता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये आपको याद होना चाहिए, ये ट्रिक मैंने बताया था, टोटल 12 शेड्यूल होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 12 होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस का दो जगह चर्चा किया गया, एक तो आपको प्रीएम्बल में और एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, इसका जो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया जा चुका है, तो धीरे धीरे करके हम लोग 2002 से लेकर 2021 तक, ठीक है, 2021 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्या, सारे कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। वीडियो हमारी आपको अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि अगला वीडियो क्या आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलता रहेगा। पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया कि पीडीएफ के लिए हमारे आप चैनल से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिलेगी। चलिए, धन्यवाद।